Hello my dear friends, and welcome to all of you on my YouTube channel Mahesh Whiteboard Video. And in this video you are going to watch the importance of satisfaction. So let's start. एक शहर में रामनाथ नाम के पंडित जी रहा करते थे. यह पंडित जी बहुत ही विद्वान और ज्ञानी थे, इसलिए उनके पास काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे और वो बाहर भी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जाया करते थे, लेकिन वो उसकी एक रुपया भी फीस नहीं लिया करते थे. ऐसे ही उनका जीवन कट रहा था. एक दिन वह विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए निकले तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आज खाना कैसे बनेगा क्योंकि घर में तो कुछ भी नहीं है, फिर सिर्फ एक मुट्ठी भर चावल ही शेष है. इस पर पंडित जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और बाहर से निकल गए. उनकी पत्नी को यह देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि वो बिना जवाब दिए चले गए. शाम को वो जब घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनके लिए भोजन तैयार रखा था. भोजन में थोड़े से चावल और इमली की पत्तियों से बना कुछ व्यंजन देखा. वह देखकर पंडित जी की उस दिन की भोजन की चिंता मिट गई. पंडित जी विद्वान है लेकिन बहुत गरीब है. जब यह बात उस राजा को पता चली तो राजा ने उनको महल में आकर रहने का निमंत्रण दिया, मगर पंडित जी ने वह निमंत्रण ठुकरा दिया. यह बात जब राजा को पता चली तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह सुनहरा अवसर पंडित जी ने ठुकरा दिया. तो राजा पंडित जी से मिलने आया. उनको कोई समस्या है या नहीं यह राजा ने पूछा, पर पंडित जी ने कुछ नहीं बताया. फिर राजा ने पंडित जी की पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे पास पहनने के लिए ऐसे वस्त्र है कि उन्हें फटा होने के कारण पहना ही ना जा सके, तो उसमें मैं संतुष्ट हूँ और पानी का घड़ा भी सही सलामत है, इसलिए मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ. फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इट डजंट मैटर कि आपके पास कितने महंगे साधन या चीज़ें हैं, हाँ, लेकिन यह मैटर करता है कि आप उसमें कितना खुश हो. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. गुड बाय.